6 साल हो गए। अच्छा, इनके घर में और बच्चों को मरा तुम किसको और करे क्या? इसको हो गए 6 साल। अरे वो बच्चे का इंतकाल हुआ तो क्या ये तो लोगों ने जादू करके करेगा खुद ब खुद हुआ था? नहीं गए। कहाँ का है? जोर से बोल। हाँ, कहाँ से आया? औरत है आदमी है मरे वाला के शैतान है? किसकी नस्ल से है? कौन है? अच्छा, नहीं तू मरने से पहले कौन था? हिंदू था, मुसलमान था, कौन था? नहीं पता। तो शमशान से पकड़ के छोड़ो इसके हाथ में। अच्छा, क्या तकलीफ दे बोले थे? उसके अंदर बैठ के? हाँ, उसको घायल कर देते। अच्छा हाँ, और उसका खाना पीना बंद कर देते। हाँ, और उसको हाँ दिन ना करते। हाँ, और उसका सब काम कर देते। हाँ, और उसको दुनिया में नहीं रखना। हाँ, मार भी तो बोले, बीमार है लगा के गला के सड़ा के। अच्छा, कब मारो बोले? अम्मास में, पुन्नम में? अम्मास होने के बाद मार दो बोले। अच्छा, मैं नाम नहीं पूछा अभी, कौन कर रहा था, मैं आगे नाम पूछूंगा। नाम बता दो तेरी जबान कतर दूंगा। खाली कौन डाले इतना बोलो? औरत थी आदमी थी जादू करने वाला? दोनों ने मिलके करे। अच्छा, वो नाम नहीं पूछा मैं इसके, औरत के खानदान के, क्या नाम इनका? क्या नाम है? अच्छा, औरत आदमी है ये शफिया भी। क्यों? जो जादू कर रहे थे उनका क्या लिख रहे थे? बाल, चप्पल, मट्टी, कपड़ा क्या लिए थे? देखो मेरे क्या लिए थे वो पूछा मैं, फजूल की बात नहीं। और दूसरी बात, नाम बयान मत कर अभी नाम नहीं पूछा मैं, बाद में नाम पूछूंगा आगे कौन करे तो। वो मेरा या शफिया भी का क्या लिए थे? कपड़ा लिए थे। जलाओ उसकी उंगलियों में, आग लगाओ इससे। कपड़ा लिए थे। पुतले के दामट ठहर रहे फिरा। मेरा हरा कपड़ा लिए। कितना टाइम हो रहा शफी अभी का कपड़ा ले जाके? करीब करीब 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। अच्छा, इनके घर में और बच्चों को मरा तुम किसको और करे क्या? इसको हो गए 6 साल। अरे वो बच्चे का इंतकाल हुआ तो क्या ये तो लोगों ने जादू करके करेगा खुद ब खुद हुआ था? नहीं, गायब से कर दिए। जादू करके करे? ठीक है, कौन करे वो आगे नाम पूछूंगा मैं, अभी नहीं पूछा। अच्छा, अब वो बच्चे के बाद और किसको मारने का है? मैं। शफिया भी को? शफिया भी के बाद किसको मारने का है? कोई नहीं, फिर लड़का है छोटा, उसको मार देने का है। फिर आगे की कोशिश नहीं मानी। अच्छा, अभी तक उतना हुक्म दिया है, पहले वो बेटे को मारना था, बाद में औरत को। पूरी तबाही बर्बादी लगा दिया उनके घर के अंदर, किरकिरा भी लगा रहा था। और घर में दिल नहीं लग रहा है, घर खुद का है, मेरा घर में दिल नहीं लगता है। हाथों की तरफ मारे इधर पुतले के जगह मत्थर बोला तक मैं। हाँ, और घर में दिल नहीं लगता, इतना अच्छा है बच्चा, बेचैन करा दिए उसको। इतनी मेहनत करती थी मैं, दो महीने से मैं जगह पे है, मेहनत को रास नहीं आने दे रहे उसको, नहीं आने दे रहे है। चलो ठीक है, जकड़ के लो इसको, आओ तेजी के साथ तोड़ दूं, तेरे दोनों हाथ तोड़ दूं पूरे, फिर आगे जकड़ो उसके हाथों को और तेजी के साथ में, फिराओ उसके हाथों को और तेजी से फिराओ। तोड़ दूं क्या वहां था? जकड़ो उसको और शफिया भी को किस चीज में खिलाए थे? क्या था वो? सालन, चावल, रोटी, दाल, बैंगन, क्या था? क्या था, किस चीज में खिलाए थे? जादू करने के वास्ते जब दवा लेके आए थे तो किस चीज में खिलाए थे वो दवा? देखो, मेरे को चाय बहुत पसंद
अच्छा चाय कुछ पसंद ही नहीं, 2 महीने से चाय भी नहीं पी रही। चाय में डाल के पिलाए थे क्या इसको? पेट में दर्द, छाती में दर्द, सिर में दर्द, कम्बल में दर्द, सोच में सोच ऐसी होती कि मैं अभी रहती कि नहीं रहती। मौत करीब आ गई थी, अल्लाह से दुआ मांगी मैंने, अल्लाह मेरे बच्चे के लिए मेरी जिंदगी बख्श दे। जकड़ लो जरा उसके हाथों को और तेज़ी साथ में। अल्लाह ने बख्श दिया। सफिया भी को कब मारने का था? मास में पूनम ने जो पूछा मैं वो सवाल के जवाब देकर, गलत सवाल करी हूँ तेरी जबान काट के जमीन में गाड़ दूंगा नाला, लोगों को जुलूम देता क्या आंगों में घुस गई। अम्मास के बाद मार देंगे मौका देते। रमजान में सिर्फ मेरे को बेचैन कर दिए थे। अच्छा इतना रमजान था, नमाज नहीं पढ़न दिए, रोजा नहीं रखन दिए, इबादत नहीं करन दिए। मन माने चल रहे तुम्हारे साले, तुम वक्त तो जलाओ उसके अंदर से, आग लगाओ उसके अंदर तेजी के साथ में। मेरे बच्चे के लिए जीना चाहती है। चलो इसको बन के डालो, चल रहे जा दूसरी चक्कर तक सब याद करके आना। कौन डाले थे इनके नाम अभी नहीं पूछा मैंने, दूसरी चक्कर में पूरी तफसील मिलूंगा। अच्छा। चल उसके बाद तेरे को जला देंगे कमी तेरे बाप का राज चल रहा है, बस मन माना करने को। जब तक इसके अंदर की दवा निकालने की तैयारी करो सब उल्टे में जुलाब में अमल करा के वो तुम्हारे खुशी आते मुझे क्या नाम उनका? अरे कैमरा इधर मार रहे, ये बॉटल को सुबह शाम 2-3 टाइम मुंह को मारते रहना पानी, पानी मिला के बढ़ा के, और उसके 7 बार आयतल कुर्सी 7-7 बार चारों पर पढ़ के दम कर देना, और ये बॉटल का दुआ का पानी बढ़ाना पिलाना ज्यादा से ज्यादा। कौन से गांव से आए? कौन सा ये बीर से? अच्छा अच्छा कौन से गांव से आए? बीर से। अच्छा अच्छा ठीक है। देखो लोगों में तुमको बार बार ये सब बातें जो बताता क्या बयान करूं, ये जो सरकते रहते मैं तुमको साफ साफ एक बात बोलता, इसे वबाओं से बलाओं से बचने के लिए मोमिन बंदो मुसलमानों हर कोई जो भी सुन रहे वो सबको मेरा एक पैगाम है, घर के अंदर मामूल बनाओ, रात में सोने से पहले सूरह यासीन सुना करो, पूरी फैमिली एक जगह जमा होके सुन के सो, तुम महफूज रहेंगे, अल्लाह के हिफ्ज़ अमान में रहेंगे। बाद नमाज मगरिब के सूरह यासीन सूरज डूबने के बाद सुना करो और सुनकर सो जाओ, तो तुम सब वबाओं से बलाओं से हर चीज़ से महफूज रहेंगे। यहाँ तक कि इंसान ऐ तकब्बुर करने वाले इंसान तेरी कोई हैसियत नहीं है, तू पैदा हुआ भी तो तुझे नहीं मालूम था और तू जब मरेगा भी तो तुझे नहीं मालूम है, और तुझ पे जब बीमारी तारी होंगी नाजिल होंगी तो भी तुझे पता नहीं चलता। बता तेरे में तेरे पास में क्या इख्तियार है जो तू इतने घमंड करता? तुझे तो मरना चाहिए। कुल्लु नफ्सुल ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार शय को मौत का मजा चखना है। अबे गाफिल बंदे अल्लाह के, तुम रात में अगर सो जाते तो तुम्हारे नाक में अगर कीड़ा मक्खी या वो कीड़ा या मकड़ी चले गई, कान में चले गई, तो गूंज चले गई, तो तुम मर जाते, तो बताओ वो तुम्हारी कैसी हिफाजत करता? कोई तो है ये सातों जमीन और आसमान का मालिक, जैसा ये घर का मालिक है, जैसा ये कपड़ों का कोई मालिक है, जैसा ये मोबाइल का कोई मालिक है, वैसा ही सारे गैलेक्सियों का कोई तो भी मालिक है ना। बोल के तो तुम चैन से जी रहे, ना तो तुम्हारे कान में अगर गोंद चले गई तो तुम्हारा भेजा खा लेती, तुम्हारे नाक में अगर मकड़ी चले गई तो तुम्हारे को मार देती, तुम्हारे ऑक्सीजन की कमी कम हो गई, तुम पैक रूम में सो गए तो तुम मर जाते। अरे बदबख्तो, कोई तो है जो तुम्हारी हिफाजत करता, जो तुम्हारे को मकड़ी तुम्हारे नाक में जान देता, मच्छर तुम्हारे नाक में जान देता, तुम्हारे कान में गोंद नहीं जान देता, क्योंकि जब तुम सोते तो मौत की भयन है नींद, इतने भरबूस सोते तुम, मौत से तो बड़ा डरते, थर थर कांपते, मौत आ रही, और मौत की जो भयन है नींद उसको तो बड़े मजे से लेते तुम, उसके साथ तो बड़े मजे से सोते पड़ते, वो मौत की दूसरा रूप है वो भी, तो वो जब भी तो तुम्हारे नाक में कान में कोई चीज जाके तुमको मार सकती ना, वो अल्लाह वो खालिक वो मालिक वो सातों जमीन व आसमान का वो रब्बुल आलमीन तुम्हारी हिफाजत फरमाता, फरिश्तों को भेजता, तुम जब सोते तो तुम पे फरिश्ते मुकर्रर कराए वाले, भले ही तुम उसके सामने शिर्क कर रहे, भले ही तुम उसके साथ में क्या बोलते तो उसकी इबादत नहीं कर रहे, उन्होंने तुमको पैदा करा, तुम मट्टी की मूर्त बना रहे, चिक्कड़ की उसको पूज रहे, पत्थर की मूर्त को पूज रहे, मगर फिर भी वो खालिक है, वो मालिक है, वो रहमान व रहीम है,
तुम उसको इतना करने के बाद भी वो तुम्हारी हिफाजत करता। वो बोलता कर लो दुनिया में जो करना है, वो आखिरत में मैं तुमसे हिसाब तो लूंगा ना, वो आखिरत में देखा देगा तुमने जो भी दुनिया, मगर दुनिया में तुम्हारे 70 माँ की मोहब्बत करता हो, तुम कौन से भी जात के है और कौन से भी धर्म के है, तो बोल के तो तुम महफूज चल रहे हो और महफूज जी रहे। वो तुम बाहर का छोड़ दो, मिसाल के तौर पर रोड पे तुम्हारा कोई गाड़ी उड़ा के जाएंगी तो तुम समझ रहे हो हम तो बच गए, साइड से चल रहे थे रोड के, वो फलाना झाड़ कट के गिर रहा था, हाँ हम तो बच गए, अलवर थे वो तारकरण का गिर रहा था, हम तो बच गए, पानी की लाट आ गई थी तो हम तो बच गए, हम हमारे इस माशाल्लाह तुम्हारे बोली हम हमारे इससे बच गए। नहीं, तुम वहां बच गए होंगे तुम सोच रहे, मगर तुम रात में जब सो जाते तो तुम्हें कौन बचाता, फिर मकड़ी अगर चले गई, कीड़ा चले गया, अगर नाक में मच्छर चलेगा तो फिर तुम्हारा हाल कुत्ते से भी बदतर होकर मौत तुम्हारी होती। मगर वो खालिक है, वो मालिक है, वो रब्बुल आलमीन है, वो रब है जो तुम्हारी हिफाजत कर रहा और तुम्हारी हिफाजत करता, तुम्हारा ये नहीं देखता कि तुमने उसके साथ वो कर रहे, तुम शिर्क कर रहे, शिर्क की कभी माफी नहीं है। तुम अगर कोई इंसान को दुनिया के जाके उसके मुंह पे अगर बात बुरी बोल दिए तो वो इंसान इतना चिढ़ जाएगा, वो ऑफिसर रह दो, वो मंत्री रह दो, वो राजा रह दो, तुम्हारा कोई काम नहीं करेगा, तुम्हारे पे गलत फैसले दे देगा। और वो देखो वो खालिक वो मालिक कितना तुम पे रहमान और रहीम है कि तुम उसके साथ शिर्क करते, बुत परस्ती कर रहे, उसकी इबादत नहीं कर रहे तो भी उन्हें तुम्हारी हिफाजत करने लगाता दिलो जान से, तो भी तुम्हारे से इतनी मोहब्बत करता। रही बात वो दुनिया में जो हरकतें करे तुम, उसकी तो सजा मिली है तुम्हारे को आखिरत में, अंतिम दौर खयामत का दौर सबको मालूम है, हर धर्म के लास्ट में बता दिया एक अंतिम दौर आने वाला है, वहाँ फैसला होने वाला है, सब खत्म होने के बाद सब जिंदा हो गए, वहाँ तुम्हारे पे फैसला दिया जाएगा वो तुमने दुनिया में जो करे, मगर दुनिया में तो कर रहा ना वही फादत में, तो इसलिए उसकी इबादत करो, उसकी बंदगी करो, उसका शुक्र अदा करो, सूर्य बकरा घर में बजाया करो, बलाएं वबाएं भाग जाते सूर्य बकरा बजने से, वो तुम पढ़ नहीं सकते तो मोबाइल में बजाओ, तुम सूर्य यासीन पढ़ो सुबह शाम, सुबह पढ़ेंगे तो शाम तक महफूज रहेंगे, शाम को पढ़े तो सुबह तक महफूज रहेंगे। एक बुजुर्ग थे, वो बुजुर्ग के मोहल्ले में आग लग गई, देखो तुमको वाकया बताता मैं, वो बुजुर्ग के मोहल्ले में आग लग गई, सूर्य यासीन की तासीर, सूर्य यासीन का पावर, वो इबादत करने से ताकत कैसी हासिल होती, सुनो तुम शैतान के साथ ये बोल के तुम इबादत के नजदीक नहीं जाते। एक बुजुर्ग थे, उनके मोहल्ले में आग लग गई तो वो उधर कहीं दूर बैठे रहते, तो एक शख्स भागते हुए आया और बोला हजरत तुम्हारे मोहल्ले में आग लग गई, पूरे घर जलना चालू हो गए। तो आपने बोले आपका भी घर बोले उधर लपेट में लग जाएगा, क्यों आपका भी घर लाइन में, उन्होंने बोले नहीं जलता। फिर दूसरा शख्स भागते आया, हजरत आग बढ़ते बढ़ते तुम्हारे घर से सिर्फ 3 घर के दूरी पे, तुम्हारा घर भी लपेट में ले लेती। तो उन्होंने फरमाया नहीं जलता, बैठ जाओ। फिर तीसरा शख्स भागते आया, बोला हजरत हजरत पूरी आग क्या बोलते तो तुम्हारे चौखट तक पहुंच गई, अब तो जलना छे, अब तो मुमकिन ही छे, दुनिया वाले भी बोलेंगे, साइंस भी बोलेगा, सबको मानने वाले भी बोलेंगे, अंधश्रद्धा वाले भी मानने वाले बोलेंगे, हर कोई मानने वाला बोलेगा, जो आंखों से देख रहे ना, मानना तो पड़ेगा आंखों देखा हाल, तो अब सब क्या बोलेंगे, अरे वो एक घर जल गया, 2 जले, 3 जले, 100 घर जल गए बस्ती में के, तो ये एक कैसा बचेगा, ये भी तो जल जाएगा ना। तो वहां तक आग चौखट तक पहुंच गई, एक भक्त आके बोला हजरत तुम्हारे घर के चौखट तक आग पहुंच गई, तो हजरत ने फरमाई नहीं जलता, बैठ जा, नहीं जलेगा, बैठ जा। एक शख्स थोड़ी देर के बाद भक्ता आया और आके बोला हजरत तुम्हारे चौखट पे आग आके बुझ गई, पूरा मोहल्ला जल के राख होगा और तुम्हारा घर जलाने को जैसा आएगी, वहां चौखट पे आके बुझ गई, बच गया तुम्हारा घर। कि दूसरे 3 परेशान हो गए ना, अरे हम तो देखे उनको सब मोहल्ला भी जला, वो तो सही बात है, वहां तक आ गई, फिर बची कैसे, इनको इतनी कैसी गारंटी थी, इनको इतनी कैसी गारंटी थी कि आग यहाँ जाके, आग हवा पानी किसके कंट्रोल पे नहीं चलता आज भी, वो अल्लाह के कंट्रोल में, वो ईश्वर के कंट्रोल में, वो गॉड अल्लाह खुदा, वो जिसके उसको उर्दू के अंदर खुदा बोलेंगे, अरबी के अंदर उसको अल्लाह बोलेंगे, इंग्लिश में गॉड बोलेंगे, संस्कृत और हिंदी में उसको ईश्वर बोलेंगे, उसके हुक्म से चलती है आग हवा और पानी। आज भी साइंस इतनी तरक्की करा दुनिया में, हमने ऐसे ऐसे चीजें बना दिए कि दुनिया में अगर हमने न्यूक्लियर बम जमीन मार दो, जमीन के चितड़े उड़ा दे सकते पूरी दुनिया के, ऐसे ऐसे पावर बना के रखे, मगर कुछ काम के नहीं, क्योंकि आग और हवा और पानी साइंस भी नासा भी सब मानते कि इनसे आज भी कोई टक्कर नहीं ले सकता, जब अपने जोश में आते तो सबको क्या बोलते, तो फिर होश में लेके आ जाते, फिर ऐसी तबाही मचा देती है आग हवा और पानी, अगर तीनों में जो भी आया तो जिसके नहीं, तो फिर इतनी बड़ी ताकतवर चीज आग वहां के कैसा बुझ गई, सब पूछने लगे हजरत कैसा क्या आग बुझ गई, उसका घर जल गया, इसका जल गया, फलाने का जल गया, तुरमची का जल गया, बड़े मिनिस्टर को क्या घर को नहीं देखी, आग ने मंत्री को नहीं देखी, तुरमचियों को नहीं देखी, वजीर आजम के सबके घरों को जला दी, फिर तुम्हारे घर कन कस क्या बुझ गई। तो उन्होंने बोले नहीं जलता, मुझे मालूम है मेरा घर नहीं जल सकता था। तो बोले ऐसा कैसा, इतना बड़ा कैसे दावा कर सक रहे आप।
तो बोले इसलिए नहीं जल सकता कि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने हदीस बताए, वो हदीस मैंने सुना था, किन से सुना, कैसे सुना, सब इसको बयान में सुनो। फिर उसके बाद में वो हदीस उन्होंने बताया कि बयान करे कि मैंने सुना था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए कि जिसने सूरह यासीन सुबह पढ़ा तो वो शाम तक महफूज रहेगा, जिसने सूरज डूबने के बाद पढ़ा तो सुबह तक महफूज रहेगा। तो फिर बताओ मेरा घर कैसा जलता था, मैंने सुबह सूरह यासीन पढ़ा था, अभी तो सूरज डूबा ही नहीं था, तो सूरह यासीन से थोड़ी आग पंगा ले सकती, टक्कर ले सकती, सूरह यासीन पढ़ने वाले के चौखट पे आके आग को ठंडा हो जाना पड़ा, जबकि आग भी वो ताकतों में से 3,000 जिसको कोई टक्कर नहीं ले सकता, दुनिया का कोई साइंस, कोई टेक्नोलॉजी, कोई आग, हवा, पानी, 3 ताकत ऐसी जब अपने इसमें आते हैं जोश में सबको तोड़ मरोड़ के रख देते हैं। तो वहां आके ठंडी हो गई, बुझ गई, क्यों बुझ गई, उन्होंने सुबह में सूर्य यासीन पढ़े थे, उन्होंने बताया मैं सुबह तो सूर्य यासीन पढ़ा था और मुझे फुल गारंटी थी वहां आके बुझने वाली थी, क्योंकि सूर्य यासीन पढ़ने के बाद मुझे जहमत नहीं दे सकता आज कोई, पूरा दिन भर में अल्लाह ने मेरी हिफाजत की ठान लिया। फिर अल्लाह जब हिफाजत की ठान लिया तो कौन आग, कौन पानी, कौन शैतान, कौन 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 सी बला और कौन सी वबा सबको लपट के फेंकने लगा देता, अल्लाह हुक्म दे दिया खत्म, जगह पे फना हो जाते हो सब। इसी बात है, इसलिए सूर्य यासीन भी पढ़ा करो, इबादत किया करो, जो तुमको पढ़ने आता हो पढ़ो, चारों कुल पढ़ो, ऐतल कुर्सी पढ़ा करो, पानी पे दम करो, पियो पिलाओ, तो तुम ये सब वबाओं से बलाओं से महफूज रहेंगे। वो याद रखना तुम्हारे घर में बलाएं वबाएं जादू टोना घुस गया और उसके बाद तुम बोलेंगे कि हम क्या बोलते, तो वो करते क्या है तुम्हारे दुआ का पानी पीते, हम इलाज करते, नहीं करने देती बाद में तुम्हारे बलाएं इलाज को, तुमको ऐसा भहकाती फुसकाती बोलती, अरे ऐसा कहीं रहता क्या छोड़ दो, अरे ऐसा कहीं पढ़ने से होता छोड़ दो, हाँ जा दो अभी आराम करेंगे बाद में देखेंगे, ऐसे तुम्हारे रुकावट डालती और जहाँ कटने वाली रहती वो वहाँ तुम्हारे आने नहीं देती है, बलाएं ये वबाएं ये सब चीजें तुमको रुकाते, तुम्हारे रस्ते में रुकावटें डालते, बोलते उधर कहीं कुछ आने का, चलो ना उधर जाएंगे, यहाँ पर भी लोग बोलते हैं हम 8-8 साल से कोई 5 साल से फॉलो कर रहे, हम हर बार निकलने का सोचते मगर हर बार कुछ काम आ जाता, हम रुक जाते, दूसरे तरफ चले जाते, बिजी हो जाते, तो वो उन्हें इतने खुशमत हो वो मैं बोलता कि तुम्हारे बलाएं गाफिल करके लेके चले जाते, बाद में मेरे सामने हाजिर होने के बाद बोलते भी ना हम आने नहीं दे रहे थे, बहुत रुकावट डाल रहे थे, क्योंकि उनको पता रहता कहाँ असल है और कहाँ नकल है, जहाँ कट जाते तो वहाँ आने नहीं देते, वहाँ आने के बाद फिर उनका फाइनल रहता, उनको जंजीर डाल के काट के हलाक कर देते, और हमारा ईमान है हमको मानना ही पड़ेगा, शैतान है, जिन्नात है, जादू है, टोना हर चीज है, कुरान के अंदर जो चीज आ गई वो पत्थर की लकीर है, शैतान का जिक्र आ गया, जिन्नात का जिक्र आ गया, बलाओं का आ गया, जादू टोने का आ गया, ये सब चीजें हैं और है तो है पत्थर की लकीर है, मानना तो पड़ेगा, जो ना मांगे सीख वो दर दर मांगे भीख, और मोमिन बंदे अगर नहीं माने तो वो तो ईमान से खारिज हो जाते। फिर बहुत सारे बातें हैं, बहुत सारे राज हैं, मैं तुमको क्या बोलूं, दुनिया के अंदर यहूद और अंग्रेज सब यहूद और अंग्रेज सबसे ज्यादा जादू टोना करते हैं और जनता के सामने आके क्या फेकम फाक्या करते, उल्लू बनाते, अरे चलो दी ऐसा कुछ रहता नहीं, हम मानते नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये सब बातें फेकाड़ है, यूं है क्यों है, क्यों करते उन्हों, क्योंकि अगर हम तुमको बता देंगे तो फिर तुम भी करेंगे, फिर तुम उन पे भारी पड़ गए तो फिर उन जंगों में हार जाएंगे, तो उनकी गेम रहते हो, बहुत सारे राज इतने थोड़ी तुम जान सकते, तुमको बहुत छोटा सा दिमाग दिया अल्लाह ने, उसमें पूरी कायनात की ताकत बिठा दिया अल्लाह ने, तुम उसको समझ नहीं सके, मैं क्या बयान करूँ, अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, इबादत करो लोगों और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज्यादा से ज्यादा सलाम और दरूद भेजा करो, तुम्हारे सलाम और दरूद की अल्लाह को गरज नहीं है रसूल अल्लाह पर भेजने की, 70,000 मलाइका सुबह में दरूद सलाम का नजराना लेके आते तो 70,000 शाम में सबसे पहले जो मलाइका लेके आए थे फरिश्ते, आज तक उनका नंबर नहीं लगा और क़यामत तक नहीं लगेगा, इतने फरिश्ते अल्लाह के पास में, तो तुम सलाम दरूद पढ़ेंगे अल्लाह के नबी पर तो तुम्हारे घर में रहमत और अजमत बरसेंगी, और रहमत और अजमत बरसेंगी तो तुम्हारे घर पे कुतुब अब्दाल औलिया अल्लाह की नजर करम होंगी, और उनकी नजर करम होंगी तो तुम्हारे घर से सारा जादू टोना हट देगा। बाकी तो बहुत राज है, बहुत सारे बातें, अल्लाह का हमें सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, क्या बयान करूं मैं, इलाज अपने दिल से नहीं होता, हर चीज का तरीका अपने तरीके से नहीं रहता, उसको उसके तरीके से हल करना पड़ता, पेट अगर दुख रहा और मैं बोलूंगा इंजीनियर को जाके भाई पेट दुख रहा मेरा राइट कर दो, मैं बोलूंगा क्या होगा सटिया के कहीं नक्शा बनता है बिल्डिंग का, आपको डॉक्टर कने जाना पड़ेगा, मैं डॉक्टर कने जाके बोलूंगा कि मुझे वो पिटीशन डाल, मुझे केस में क्या बोलते तो जीतना है, तो डॉक्टर बोलेगा क्या बात कर रहे हो, वो तो वकील का काम है, मेरा थोड़ी काम रहता, मैं जज के पास जाऊंगा और जाके जज को बोलूंगा वो फला फला के आंख में दर्द हो रहा है उसका ऑपरेशन करो, तो जज बोलेगा कि सटिया गए क्या, मेरा काम है फैसले देना, मेरा काम थोड़ी है उसकी आंख निकाल के बदलना, तो अल्लाह ने हर चीज को एक दायरे के अंदर मुकर्रर किया और उसके उसको एक महारत हासिल करा के उसके अंदर एक शख्सियत को महारत दिया,
और उसमें उससे उस लोगों को फैस पहुंचाता। हर मामले में हर चीज में अलग अलग तरीका है। वैसा रूहानियत की भी दुनिया अलग है और रूहानियत में अल्लाह वालों को फैस दिया है, कुरान पढ़ने वाले जबानों के हाथ में फैस दिया है। तुम शैतान और बुत परस्ती वालों को फैस देंगे तो शिर्क बिद्दत ये सब तुम्हारे से हो जाएगा। और क्योंकि तुम तो बहुत सारी डिफिनेशन है, उसकी डिफिनेशन नहीं समझूंगा, इन शॉर्ट में तुम्हें बता दिया मैं, और आगे किस में बताऊंगा शिर्क बिद्दत इस पे से। खैर अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। लोग